नमस्कार, वक्त हो गया है 5W1H का, यानी कि खबर की पूरी डिटेल। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आज पुलिस ने सोनभद्र जाने से रोका तो वो रास्ते में धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। SDM की गाड़ी में बिठाकर प्रियंका को चिनार गेस्ट हाउस ले जाया गया, और इससे पहले प्रियंका ने वाराणसी के ट्रामा सेंटर में सोनभद्र की घटना में घायलों से मुलाकात की। सोनभद्र में 10 आदिवासियों की हत्या के बाद धारा 144 लगाई गई है। यूपी के नारायणपुर में पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गईं। PHU में घायलों से मिलने के बाद मिर्जापुर जा रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा। आज पुलिस ने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा को सिर्फ रोका गया है, हिरासत में नहीं लिया। वहीं पुलिस ने कहा सोनभद्र में मारे गए लोगों के घर जा रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा। सोनभद्र के भूमि विवाद में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यूपी के CM योगी ने जांच के लिए कमेटी बना दी है, घटना को दुखद बताया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के करीब आज सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया तो वो धरने पर बैठ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो मिर्जापुर जा रही हैं, लेकिन पुलिस का कहना था कि प्रियंका सोनभद्र जाना चाह रही थी। सोनभद्र में ही जमीन को लेकर विवाद में 10 लोगों की हत्या हो गई थी। यूपी के CM योगी ने आज घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जांच के लिए कमेटी का गठन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह करीब 10 बजे वाराणसी पहुंची, BHU के ट्रॉमा सेंटर में हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद ही प्रियंका सोनभद्र की ओर निकली, जिसके बाद हंगामा हुआ। हमें कुछ भी कर ले हम नहीं झुकेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ शांतिपूर्वक परिवारों से मिलने आए। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? पता नहीं, मुझे नहीं, जहाँ भी ले जा रहे चाहे। जब तक गिरफ्तार नहीं होगे तब तक आप कहते हैं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी, प्रशासन लगातार रोक रहा है, आपको जाना है कि नहीं? मुझे जाना है। एक बहुत दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और 28 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के तत्काल बाद मैंने स्वयं पुलिस महानिदेशक को इस संपूर्ण घटना का अनुसरण स्वयं करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं अब की बार 15 अगस्त को PM मोदी छठी बार लाल किले से अपना भाषण देंगे। अपने भाषण के लिए PM ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। अपने संबोधन को लेकर PM मोदी ने ट्विटर पर अपनी बात रखी है। लोग नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम में अपने सुझाव रख सकते हैं। 15 अगस्त के भाषण के लिए PM मोदी ने लोगों से सुझाव मांगा है। लाल किले से हर साल भाषण देते हैं PM, छठी बार नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आज अपने संबोधन को लेकर PM मोदी ने ट्विटर पर बात रखी। पहले कार्यकाल में भी लोगों से सुझाव मांग चुके हैं PM मोदी। प्रधानमंत्री लोगों की राय को अपने भाषण में शामिल करना चाहते हैं। PM ने नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम में सुझाव मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, मुझे 15 अगस्त को अपने भाषण के लिए सुझाव देने के लिए आप सभी को आमंत्रित करने में खुशी हो रही है। आपके विचार लाल किले की प्राचीर से 130 करोड़ भारतीय सुनेंगे। नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम में योगदान करें। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त पर दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। इससे पहले भी PM मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में जनता से सुझाव मांगे थे।